नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, UTB भर्ती दो जिलों का अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। राजस्थान UTB भर्ती अर्जेंट टेम्प्रेरी बेस पर जो ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर, तो इस तरीके से ये वैकेंसियाँ UTB अर्थात अर्जेंट टेम्प्रेरी बेस पर COVID-19 के मद्देनज़र भर्ती की जा रही हैं हर एक ज़िले से। तो इसमें आप दो ज़िलों का अपडेट मैं देने वाला हूँ, फॉर्म किस तरीके से भरना है। और दोस्तों, इसमें आपकी जो परसेंटेज है, ठीक है, 12वीं प्लस GNM या 12वीं प्लस आपका फार्मासिस्ट, 12वीं प्लस आपका जो बोलते हैं इसका लैब टेक्नीशियन वगैरह, इन सब का, ठीक है, जिस भी योग्यता से है तो उस हिसाब से उन दोनों को जोड़ करके, दो का भाग दे करके जो परसेंटेज निकलेगा उससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये है भरतपुर से वैकेंसी, ठीक है, CMHO भरतपुर की ये वैकेंसी है। कल शाम को ये नोटिफिकेशन आ गया था लेकिन समय अभाव के कारण ये जानकारी आप लोगों को नहीं दे पाए। अब दोस्तों, इसमें कहा गया है, ये जो पढ़ने के लिए, इसमें एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि COVID-19 के मद्देनज़र भर्ती की जा रही है और ये जो सत्र है 2021-22 या फिर COVID-19 के नियंत्रण तक, या फिर दोस्तों नई भर्ती जब तक नहीं हो जाती है परमानेंट तब तक के लिए ये इसमें लगाया जाएगा। अब इसमें चिकित्सा अधिकारी यानी कि MBBS डॉक्टर के 12 पद हैं, ठीक है, MBBS RMC से पंजीकृत होना चाहिए, GNM के 36 पद हैं, 12वीं पास प्लस GNM का डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री और RNC से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं प्लस DMLT 10 पोस्ट हैं, RPMC से पंजीकरण होना चाहिए, ANM के लिए 12वीं और ANM का डिप्लोमा, RNC से पंजीकृत। फार्मासिस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 12वीं और डी फार्मा बी फार्मा RFC से पंजीकृत होना चाहिए, 40 सीटें हैं। सहायक रेडियोग्राफर के लिए जो है DRT आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है, और 12 सीटें हैं इसमें, RPMC से पंजीकरण होना चाहिए। लैब सहायक, अब देखिए दोस्तों, लैब सहायक इसमें कहा गया है 12वीं साइंस बायोमैथ उत्तीर्ण और राजकीय प्रयोगशाला में 3 वर्ष का अनुभव अथवा DMLT अथवा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, तो ये इसमें होना चाहिए। इसके लिए 40 पद हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 36 GNM के, ANM के यहाँ पर 45 पद हैं। अब इसके लिए जो फॉर्म है दोस्तों, आज से जो है 10 बजे से स्टार्ट हो गए हैं। इसका लिंक है, मैं निकालने की कोशिश करूँ, जैसे आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मैं वहाँ पर पिन कर दूँगा, ठीक है, कमेंट करके। और ये 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची है, वो यहाँ पर 6 तारीख को ही अपलोड यहाँ पर कर दी जाएगी, ठीक है, bharatpurrajasthan.gov.in या इस साइट पर जाकर के भी आप जो गूगल का जो फॉर्म लिंक है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने के बाद उसको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है, 2 गुना अभ्यर्थी, और उसमें से जो है डेट भी यहाँ पर दे दी गई है कब कब वेरिफिकेशन होना है वो आप लोग देखें। चिकित्सा अधिकारी और GNM का 9 मई को होगा 10 बजे से, लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का 10 मई का, सहायक रेडियोग्राफर लैब सहायक का 11 मई का और ANM का 12 मई का, ठीक है। और जो कमेटी है 5 सदस्यों की, इसमें कमेटी होती है दोस्तों, उसी का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। ये तो हो गई आपकी भरतपुर की बात। अब दोस्तों ये नागौर की, नागौर ने क्या था कि दोस्तों 40 पद निकाले थे GNM के, ठीक है ना, इतने पद निकाले थे 40 पद, और 40 पद में से क्या थी, क्या किया थी इन्होंने, ईमेल पर मांगा था, ठीक है, मैंने कल वीडियो भी डाला था इसका, ईमेल पर मांगे गए थे कि सारे डॉक्यूमेंट की एक PDF बना करके और उसे मेल करना है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि इस चीज़ को बदल दिया, अब इन्होंने कहा कि जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसी के माध्यम से आपको फॉर्म भेजना है। तो ये लिंक यहाँ पर गूगल का दिया गया है, इसे आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है गूगल में, ठीक है, और वहाँ पर ये जैसे जैसे लिखा है जिस भी तरीके से, ठीक है ना, google.com/forms/d/e/e1fa, ये सारा का सारा लिख लेना है और उस पर सर्च कर देना है, तो आपका जो लिंक है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्म, ये जो गूगल पर फॉर्म है 5 तारीख यानी कि कल 6 बजे तक आपको भरना है, ठीक है, इंटरव्यू की डेट आपको बता दी जाएगी। इस टेलीफोन नंबर पर भी आप लोग सूचना ले सकते हैं। तो जिन्होंने पहले जो मेल कर दिया था ना, उनको भी दोबारा से भेजना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने तो मेल कर दिया था, भर दिया था, तो मैं नहीं भरूंगा, ठीक है, तो सबको भरना है दोबारा से। जिन जिन्होंने अगर मेल कर भी चुके हैं आप लोग, तो भी आपको फॉर्म वापस से इस लिंक के माध्यम से भरना है। ये 2 जिलों की सूचना थी,
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें जहाँ पर आपको ये दोनों वैकेंसी की जो है जो विज्ञप्ति है वो मिल जाएगी। फेसबुक पेज RNS एजुकेशन न्यूज के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर है दोस्तों अपडेट आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट हो, नीचे ड्रॉप कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।